करोली पीड़िता को इंसाफ की मांग को लेकर एबीपी कार्यकर्ता आज विधानसभा का घेराव करने जा रहे थे, उस दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। ये देखिए एबीपी के कार्यकर्ता हैं, ये लोग आगे बढ़कर चाहते थे कि उस बच्ची को इंसाफ मिले और किस तरह मारा गया इनके चेहरे की हालत बता रही है। क्या हुआ था? देखिए साहब, हम हमारी बहन के लिए न्याय मांगने आए थे। हम लोग कलंक दंड देते हुए यहाँ पंच परमेश्वर कहते हैं कि विधानसभा पंच परमेश्वर है और उस विधानसभा पर हम यहाँ आए। जिस तरीके से पुलिस ने हमारे लाठी चार्ज किया, हमारे सैकड़ों साथियों के चोटें आई है, मेरे भी गंभीर आंतरिक चोटें आई है शरीर में। आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर पीठ तक, सर में हमारे चोटें डंडे मारे गए, मेरा हाथ फट गया देख सकते हैं। हम लोग शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ प्रदर्शन करने आए थे, लेकिन जिस तरीके से पुलिस के अनिल मूंड जी जो साहब हैं, बहुत बड़े अधिकारी हैं, मैं जानता नहीं हूँ, उन्होंने गाली गलौज किया है, उन्होंने छात्रों के साथ में दुर्व्यवहारपूर्वक व्यवहार किया है। हम पुलिस प्रशासन, गहलोत साहब आप अपने आप को गांधीवादी कहते हो, क्या आपकी गांधीवादिता ये है? क्या आपकी गांधीवादिता ये है कि साधारण छात्र जो बहन की न्याय के लिए आया हो उसके ऊपर आपने लाठीचार्ज करवाया है? विधानसभा का सत्र चल रहा है, धारा 144 लगी है, कोई और जरिया नहीं हो सकता था साहब? हम तो गांव के लोग हैं, ज्यादा समझते नहीं है। हम तो सोचा कि राष्ट्रपति महोदय आई है, हम उनको हमारा ज्ञापन देंगे। हम पहले पटक परगम्मा देते हुए आ रहे थे, ज्यादा हम समझते नहीं है, हम तो इनके लिए आए थे। बाकी पुलिस ने जो कांड किया है, पुलिस ने जो छात्रों को मारा है, वो आपसे छुपा हुआ नहीं है, मेरे सर में भी काफी संख्या में। ये है एबीपी के कार्यकर्ता जिन्हें लाठी चार्ज में घायल भी हुए हैं, ये देखिए इनकी हालत है। 104 एम्बुलेंस का इंतजार किया जा रहा है और यहाँ पर आप पीछे आप देखिए, ये विधानसभा का ये वही बैरिकेड है जिसे तोड़कर ये लोग लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ से बमुश्किल 300-400 मीटर दूरी पर ही विधानसभा है, विधानसभा का सत्र चल रहा है, सुरक्षा लिहाज से भी पुलिस ने इन्हें आगे जाने दिया, लेकिन जब ये बैरिकेड पर चढ़ के आगे जा रहे थे तो पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और उसके बाद यह पूरा नज़ारा सामने आया। तो कुल मिलाकर विधानसभा सत्र के पहले दिन ही एबीवीपी की तरफ से इस तरह का हंगामा देखने को मिला है सड़कों पर। पहले लाठी एबीपी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर किया जा रहा है, यह नज़ारा है जयपुर की सड़कों पर, जहां पर कि एबीपी के कार्यकर्ता विधानसभा का घेराव करने के लिए निकले थे हिंडोन में एक लड़की को इंसाफ दिलाने की मांग को लेकर। यह देखिए कि किस जब ये विधानसभा की तरफ लगातार आगे बढ़ रहे थे तब इन लोगों को पुलिस ने हिरासत में लेना शुरू किया, क्योंकि धारा 144 विधानसभा के आसपास लगी है, विधानसभा का सत्र चल रहा है, ऐसे में इन लोगों को यहाँ से आगे जाने की अनुमति नहीं है। और यही कारण है कि पहले जब ये बैरिकेड तोड़कर लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे तो इन्हें पहले तो इन पर लाठीचार्ज किया गया था और अब इन्हें यहाँ से गिरफ्तार कर पुलिस वैन में ले जाया जा रहा है। और खास बात यह है कि विधानसभा का इस पूरा सत्र ही काफ़ी हंगामेदार रहा है और इस सत्र के दौरान विपक्ष ने भी जहाँ सरकार को सदन के अंदर घेरने का ऐलान किया, वहीं सड़कों पर भी इसी तरह का नज़ारा देखने को मिल रहा है। तो एबीपी की ओर से पहले दिन ही सड़कों पर बड़ा आंदोलन कर यह ऐलान कर दिया गया कि किस तरह से वह जनता से जुड़े मुद्दों को उठाकर सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। और यही कारण है कि इन पर जबरदस्त तरीके से लाठीचार्ज भी हुआ और अब इन्हें यहाँ से ले जाया जा रहा है। कैमरामैन विजय सिंह के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24।